रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर भारतीय रेलवे की तरफ से बिहार से विभिन्न रेलवे स्टेशनों के लिए 18 स्पेशल ट्रेनों का संचालन शुरू हो चुका है। इसमें से कई ट्रेन बिहार से चलेगी और इसके अलावा अन्य ट्रेन बिहार होकर चलाई जाएगी। इसी बीच रेलवे की तरफ से बड़ी अपडेट जारी की गई है और इन अपडेट के माध्यम से आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सभी ट्रेनों के लिस्ट के साथ साथ इनके अपडेट के बारे में। इस वीडियो की शुरुआत करते हैं उससे पहले हमारे इस चैनल को नए किए हैं सब्सक्राइब तो कर लें सब्सक्राइब। दरअसल भारतीय रेलवे ने रक्षाबंधन के मौके पर स्पेशल ट्रेनों की लिस्ट जारी कर दी है। रेलवे की ओर से मिली सूचना के अनुसार देश के विभिन्न राज्यों से बिहार के लिए स्पेशल ट्रेन चलेगी और ऐसे में दोनों ही दिशाओं में इस ट्रेन का संचालन शुरू होगा। ट्रेन नंबर 01663 के साथ रानी कमलापति से सहरसा के लिए इस ट्रेन की शुरुआत होनी है। यह ट्रेन दूसरे दिशा में भी चलेगी। इसके अलावा जयनगर से अमृतसर के लिए एक और नई ट्रेन का सौगात मिल चुका है। यह ट्रेन 04651 के साथ जयनगर से चलाई जाएगी। इस ट्रेन के अलावा पटना से अहमदाबाद के लिए भी स्पेशल ट्रेन चलेगी। 09418 के साथ यह ट्रेन पटना से अहमदाबाद के लिए, वहीं ट्रेन नंबर 09034 के साथ बड़ौनी से उधना के लिए स्पेशल ट्रेन की शुरुआत होनी है। पटना से उधना के लिए भी एक स्पेशल ट्रेन चलेगी जिसका ट्रेन नंबर है 09046। मुजफ्फरपुर से सिकंदराबाद के लिए भी स्पेशल ट्रेन की शुरुआत होगी। ट्रेन नंबर 05293 के साथ यह ट्रेन मुजफ्फरपुर से चलेगी। दानापुर से स्पेशल ट्रेन चलेगी और यह ट्रेन ट्रेन नंबर 09064 के साथ चलाई जाएगी। बड़ौनी से मुंबई सेंट्रल के लिए स्पेशल ट्रेन 09146 के साथ चलेगी। पटना से आसनसोल के लिए भी स्पेशल ट्रेन चलेगी जिसका ट्रेन नंबर है 03550। वहीं मुजफ्फरपुर से पुणे के लिए एक और स्पेशल ट्रेन की शुरुआत होनी है और यह ट्रेन 05289 के साथ मुजफ्फरपुर से। वहीं रक्सौल टू हावड़ा के लिए भी स्पेशल ट्रेन की शुरुआत हो चुकी है। ट्रेन नंबर 03046 के साथ यह ट्रेन रक्सौल से हावड़ा के लिए चलाई जाएगी। आने वाले नेक्स्ट वीडियो अपडेट में बात करेंगे कई अन्य ट्रेनों के डिटेल्स के बारे में। फिलहाल यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं और इस वीडियो को शेयर करें।